वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वी हैड ऑल्सो कंप्लीटेड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू राइट डाउन ऑल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स भी इसमें देखेंगे. लिसन केयरफुली और ये फिलअप्स आपको सुनने के बाद में अपनी नोटबुक में एज इट इज उतारने इसको. ओके, फिलअप्स में हम फर्स्ट पे आते हैं. फर्स्ट इज डैश थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. डैश थिंग्स मीन्स ये जो ब्लैंक है जिसमें मैंने पेन से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, थिंग्स डोंट मूव ऑन देयर ओन. ऐसी कौन सी थिंग्स है जो कि खुद से मूव नहीं करती है, खुद से नहीं घूमती है. आई रिमेम्बरिंग यू दीज थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. कौन सी थिंग्स होती है वो? नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो कि खुद से मूव नहीं कर सकती है. स्टूडेंट, यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट ऑल्सो. ओके, आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं. चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा. आप कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में. ओके, नाउ सेकेंड इज देश थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. विच थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. ऐसी कौन सी थिंग्स होती है, कौन सी चीज़ें होती है जिन्हें ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है. इज नॉन लिविंग थिंग नीड फूड? नो, नॉन लिविंग थिंग डजंट मीन सो. हियर आंसर इज लिविंग. LIVING लिविंग. ओके, LIVING लिविंग. ओके, लिविंग थिंग्स नीड फूड. थर्ड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ डैश एंड डैश. एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सर्च. सर्च मीन्स होता है खोज करना. सर्च मीन्स होता है खोज करना. ओके, मूव मीन्स होता है हलचल या जगह से जगह को छोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. किस लिए जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड. FOOD, फूड. इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ शेल्टर. SHELTER, शेल्टर. ओके, तो थर्ड में क्या आएगा? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. फोर्थ है हमारा डिश. टच मी नोट प्लांट. टच मी नोट प्लांट जिसे हम लाजवंती भी कहते हैं. ओके, टच मी नोट प्लांट होता है लाजवंती, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छुईमुई. ओके, छुईमुई प्लांट्स कर्ल अप इट्स लीव्स वैन. कर्ल अप सिकुड़ लेता है, सिमेट लेता है वो अपने आप को. कब? अपनी पत्तियों को. वैन इट टच्ड, जब उसको टच किया जाता है. TOUCHED, टच्ड. TOUCHED, टच्ड. ओके, टच मी नॉट प्लांट लाजवंती कर्ल्स अप इट्स लीव्स वैन टच्ड. क्लियर इट? ओके, नाउ नेक्स्ट. डैश थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑन देयर ओन काइंड. ऐसी कौन सी थिंग्स होती है जो रिप्रोड्यूस करती है, जो कि बच्चे पैदा करते हैं, जो कि संतति को आगे बढ़ाते हैं, तो वो कौन सी थिंग्स होती है? दीज थिंग्स आर लिविंग. LIVING लिविंग थिंग्स. ओके, वो थिंग्स कौन सी होती है हमारी? लिविंग थिंग्स होती है. क्लियर? सो आपके ये वर्ड मीनिंग फिलअप्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो फर्स्ट में आएगा आपके नॉन लिविंग, NONLIVING लिविंग. सेकंड में आएगा आपके लिविंग, LIVING. थर्ड का आंसर होगा फूड, FOOD, एंड शेल्टर, SHELTER, शेल्टर. फोर्थ का होगा आपके TOUCHED, टच्ड. एंड फिफ्थ का होगा आपके लिविंग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लिसन केयरफुली.
A puppy grows into a cat. Is it okay? Is it right or wrong? No, it is wrong. Because पपी है वो डॉग का बेबी कहलाता है. कैट का बेबी क्या कहलाता है? कैट का बेबी किटन कहलाता है. KITTEN किटन. ओके, अ पपी ग्रोज इनटू अ कैट. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, क्योंकि पपी कैट का बेबी होगा किटन. किटन ग्रोज होगा इनटू कैट में और पपी ग्रोज होगा इनटू डॉग में. सो इट इज़ क्या, ये क्या होगा? It is wrong. Okay. Now second, no living things need air to breathe. No living things go. Which things non living? Which things called non living things that can move, breathe, need food, grow, feel, and move on their own are called living things. And non living things, इसके अपोजिट. ओके, तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ? क्या नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है? इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डजंट नीड एनी ब्रीथ एनी एयर. ओके, उन्हें कोई सांस ही नहीं होता है. थर्ड इज, food gives energy to living things to move and work. Food gives energy. Yes, living things जो सजीव वस्तुएं उनको to move and work, उनको चलने फिरने के लिए, उनको काम करने के लिए food energy देता है. Yes, it is right. यह हमारे correct है. Okay. Fourth is, plants do not need food. Plants do not need food. Is it correct? No, it is not correct. क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि plants भी living things की category में आते हैं. Plants भी वो सब feel करते हैं, breathe करते हैं, grow करते हैं, food की need होती है, feel भी करते हैं और ये grow बढ़ते भी हैं. Okay? तो इनको फूड की नीड होती है. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग के थ्रू सनलाइट, वाटर, कार्बन इनकी प्रेजेंस में ये क्या करती है? प्लांट फूड बनाती है. तो इन्हें फूड की नीड होती है. सो ये गलत है. ओके, फिफ्थ है, फिश ब्रीद विद द हेल्प ऑफ फिन्स. इज इट करेक्ट? नो, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. वाई सो? बिकॉज फिश जो होती है वो किससे ब्रीथ करती है? फिश ब्रीथ करती है उसके गिल्स से. किससे? गिल्स, GILLS, GILLS, गिल्स से वो ब्रीथ करती है. जबकि जो फिन्स होते हैं, फिन्स हेल्प करते हैं उसकी तैरने में. जो उसके पंख होते हैं ब्रीथ के, फिश के जो पंख होते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है. फिर इस तरीके के जो ये फिन्स कहलाते हैं फिश के, है ना. और गिल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके, जो उसको सांस लेने में उसकी हेल्प करते हैं. ओके, सो आर यू गेटिंग इट? सो आई एम रिपीटिंग दिस आंसर्स आल्सो. फर्स्ट में आएगा रॉन्ग, फर्स्ट में आएगा आपके wrong, second wrong, third right, fourth wrong and fifth wrong. Clear it, students? I hope you understood this chapter and you will note down in your notebook and send me your work. Okay, thank you.